मार्गदर्शक मंडल से बात कर लीजिए, क्योंकि आपकी सरकार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपके मार्गदर्शक गृह मंत्री अडवाणी जी दिल्ली को पूरा स्टेटहुड जाने का बिल लाए। चेहरे पे सारे शहर के, चेहरे पे सारे शहर के दर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल। उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। उन्होंने खता की, सदियों ने सजा पाई। फ्रेंड्स, वी मस्ट ऑल्सो कलेक्टिवली अपोज इट, बिकॉज समडे दिस एंटी फेडरल नॉक विल कम एट योर डोर। ये उनके लिए सोचने की बात है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर दी है। जो आज दिल्ली सरकार के साथ हैं, शायद कभी आपके पास भी, जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सबका नंबर आ सकता है। उस वक्त जब नंबर आएगा तो आपको सिर्फ याद आएंगे मार्टिन न्यूमेलर के वर्ड्स। वो पुराने जाने माने शब्द हैं लेकिन मैं दोहरा रहा हूं। फर्स्ट दे केम फॉर द सोशलिस्ट्स एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ सोशलिस्ट। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट। देन दे केम फॉर द जूज एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई एम नॉट अ जू। देन दे केम फॉर मी एंड फॉर यू एंड देयर वॉज नो वन लेफ्ट टू स्पीक फॉर अस। फ्रेंड्स, what does let me start with my two heads. What does this bill do textually first, and secondly what is the consequence of that text? Let me deal with these two aspects first. Doston, ye bill ek civil services authority banata hai aur usko vyapak shaktiyan deta hai sujhav dene ki har niyukti, har sthanantaran, har cheez ke bare mein, grade A afsar se leke danik afsar tak. व्यापक है, विशाल है। कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय एलजी करेंगे निर्णय, न कि चुनावित सरकार। ये बड़े स्पष्ट प्रावधान है, मैं अभी आपको प्रावधान के नंबर नहीं दे रहा हूं। दूसरा, जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन। तीसरा, ये अथॉरिटी में तीन व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों, कोरम है दो लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव दो सचिवों के नीचे आएगा। ये दो सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। चौथा, जितने बोर्ड्स हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सब, और इसे बहुत हैं, महत्वपूर्ण हैं, अल्पसंख्यक संघ, दिल्ली सूरेज बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, सो मेनी, लेबर वेलफेयर बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे 20 की सूची हमने दी है न्यायालय में। उन सब की बजट बनाएगा ये एनसीटी सरकार,
उनके काम होंगे एनसीटी के लिए, एनसीटी के लोगों के लिए, लेकिन उनके अध्यक्ष, उनके हेड को वहीं से अपॉइंट होंगे, सुपर सीएम या गृह मंत्रालय। हमारी बात तो आप सुनेंगे नहीं, सुनते नहीं, कम से कम अपने मार्गदर्शक मंडल की बात तो सुन लिया करिए, या कभी कभी उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, उनको भी भूल गए आप, मार्गदर्शक मंडल से बात कर लीजिए, क्योंकि आपकी सरकार, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपके मार्गदर्शक गृह मंत्री अडवाणी जी दिल्ली को पूरा स्टेटहुड जाने का बिल लाए थे, और जब आप दो चुनाव दिल्ली के जीते इस मुद्दे पे कि दिल्ली के पास पूरा स्टेटहुड होना चाहिए, तो मदनलाल खुराना जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, कोट, फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली इज द रेमेडी फॉर ऑल इट्स इल्स। आज देश और दिल्ली आपसे फुल स्टेटहुड नहीं मांग रहा है, आज सिर्फ वो इतना विनती कर रहा है कि जितना बाएं हाथ दाएं हाथ ने संविधान ने दिया है उतना बाएं हाथ से तो नहीं लीजिए। इतनी छोटी सी विनती कर रहा है। जहां तक दुख और आक्रोश का सवाल है, ये एक दुखद और खतरनाक प्रस्तावित कानून है दोस्तों। अंत करूंगा मैं ये कहकर कि ये दिल्ली के बारे में शेर बिल्कुल उपयुक्त बैठाता है, ये बिल, ये प्रस्तावित कानून, चेहरे पे सारे शहर के गर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है, दुख और आक्रोश का हाल है।